Hi, I am Jimmy Carter. I am the CEO of Delver Steel Texas. तो गाइज ये वाली वीडियो आई होप कि बहुत से लोगों ने देखी होगी और उनके मन में यही चल रहा होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, काश ऐसा हो तो मज़ा ही आ जाए। तो गाइज फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिमी कार्टर ही रॉकी को बचाए। बात करें सच में जिमी कार्टर की तो इस पर मैंने ठीक से रिसर्च की तो पता चला कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1977 से 1981 तक, और पिता के मरने के बाद इन्होंने अपना सबमरीन वाला काम आगे बढ़ाया। ये 39वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और इकलौते ऐसे थे जिन्होंने सबमरीन की नॉलेज थी। बात करते हैं कि कितने बड़े चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। गाइस मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा होने, क्योंकि खबर निकल के ऐसा आया था कि जो KGF के मेकर से वो चाहते हैं कि मार्वल की तरह ही अपने एक यूनिवर्स बनाने का, जिसका नाम वो KGF वर्स देना चाहते हैं। तो हो सकता है गाइस इसमें प्रभास के सलार की भी एंट्री हो और अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइस की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि पुष्पा के भी जो शूटिंग हो रहा था वो दूसरे पार्ट का वो भी रोक दिया गया KGF को देखने की वजह से। तो हो सकता है गाइस पुष्पा की भी इसमें एंट्री हो जाए। तो अभी उतना कन्फर्म नहीं है, बट ऑनेस्टली गाइस ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट था उनका कार्यकाल 1977 से 1981 तक का था, उसके बाद उन्होंने सबमरीन पे काम करने लग गए। तो हो सकता है KGF पार्ट 3 में जिमी कार्टर ही रॉकी को बचा लें और स्टार्टिंग में ही बचा लें और यस बोले उनसे कि वो अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ऐसा उसने क्यों किया, और वही 3 सालों की स्टोरी रॉकी अपने मुँह से सुनाए। और फिर जब ठीक हो जाए तब फिर से रॉकी के ऊपर हमला हो, क्योंकि अभी रॉकी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं तो वो हमले से लड़ नहीं पा रहे होंगे, तभी एंट्री होगा। तो एंट्री हो हमारे प्रभास की जो सलार का कैरेक्टर प्ले करेंगे और यहीं पे एंट्री हो अल्लू अर्जुन की एज ए पुष्पा। तो गाइस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा हो, फिर यहाँ से स्टोरी कुछ अलग दिशा में चलने लगेगी। ये सब सेकेंड हाफ में आई थिंक दिखाया जाएगा, सेकेंड हाफ में ये सब दिखाया जाएगा। फर्स्ट हाफ सिर्फ इतने तक ही चलेगा कि रॉकी ने 3 साल क्या किया है 1978 से लेकर 1981 तक, बस वही वो खुद से बताएंगे कि वो क्या क्या किए थे, वो क्राइम पूरा उनका दिखाया जाएगा। सो गाइज ये मेरा थ्योरी है था, अगर ऐसा हो गया तो भाई बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जिमी कार्टर ही बचाएं रॉकी भाई को। और जो गाइज इसमें दिखाया गया कि जिमी कार्टर का जो कार्यकाल था वो 1977 से लेकर 1981 तक का था, और वही मूवी में ये दिखाया गया कि जो उनके बैक स्टोरी जो 3 साल उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो कि तबाही मचाया है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड को जीता है, तो वो भी 1978 से लेकर 1981 तक का दिखाया गया है। और जो उनकी डेथ हुई है वो 1981 के बाद हुई, जब वो प्रेसिडेंट का काम छोड़ चुके थे और अपने सबमरीन के ऊपर काम कर रहे थे। तो गाइज हो सकता है कि जब वो प्रेसिडेंट होंगे तब वहाँ पे तबाही मचाए होंगे, जिसके वजह से रॉकी को एज नॉन सब कोई जान गया होगा, और इन ये तो पहले जानते थे क्योंकि इनसे मिले हुए थे, तो ये समझ जाएंगे कि हाँ यही है रॉकी। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमें दिखाया जाए कि जब वो सबमरीन में काम करने लगे उसके बाद जो रॉकी खुद को मारने के लिए पानी में सुसाइड करता है, तो उसके बाद जिमी कार्टर ही जो काम कर रहे होते सबमरीन के ऊपर, जो टेस्टिंग कर रहे होते सबमरीन की, तो वो उनको गिरते हुए देखेंगे वहाँ पे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये तो कोई इंसान डूब रहा है। जब वो उसको बचा लेंगे तब उनको समझ में आएगा ये तो रॉकी है जो उनसे वहाँ प्रेसिडेंट के ऑफिस में मिला था, जिसने ये बताया था कि वो CEO ऑफ इंडिया है। तो गाइज वो बचा लेंगे उनको, बचाने के बाद फिर उसको अपने पास लेकर जाएंगे, वहाँ उसे ठीक करेंगे, ठीक करने के बाद वो अपनी बैक स्टोरी खुद सुनाएगा रॉकी भाई। तो वहाँ पे जब वो स्टोरी सुनाएंगे जो 3 साल उसने क्या क्या किया, उसके बाद वो फर्स्ट हाफ तक चलेगा। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में दोनों लोगों की एंट्री होने वाली, सलार की और पुष्पा द राइस की। गाइज ये मेरा थ्योरी था जो कि मैंने दिया है इस मूवी को लेकर। तो हो सकता है सच में जिमी कार्टर ही उसको रॉकी को बचाए और बचाएगा 100% चांस है कि वो बचाएगा ही। और गाइज अगर ऐसा हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि सिनेमा हॉल का रिएक्शन क्या होगा उस टाइम, मतलब सब कोई पागल हो चुका होगा, सब अपने आप खो चुके होंगे उस टाइम। तो आई होप कि गाइज मैं यही तमन्ना लेकर चल रहा हूँ कि आई होप कि जिमी कार्टर ही रॉकी भाई को बचाए और मजा आए देखने में बम्पर। सो गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज चलिए तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, मजा लीजिए। आई एम जिमी कार्टर, आई एम द CEO ऑफ डेल्वर स्टील टेक्सास।